मैं चाहता हूं कि ऋषि कपूर साहब अगर स्टेज पर आए और कुछ लव्स करें और ऑनरेबल सहारा श्री सर आप भी स्टेज पर आए। बैठ जाए। आप लोग बैठिए तो मैं कुछ कहूंगा आपसे ऋषि कपूर जी के बारे में। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, एक समय था जो वर्सेटाइल स्टार थे, ये वर्सेटाइल स्टार थे, और आज एक जबरदस्त वर्सेटाइल एक्टर है आज। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इनको आप लोग अपने जगह पर खड़े होकर तालियों से अभिनंदन करें। अगर पहले का समय होता तो मैं ऋषि जी से कहता हूं, कहता हो जाए। पहले तो आप मुझे जी मत कहिए, आप से ऋषि कहिए। ऋषि हो जाए। मैं आपसे संबोधित होता हूं, अगर आप अपनी अपनी जगह से बैठ जाएं तो सब देखेंगे भी। थैंक यू। आदरणीय, कौन नहीं जानता और कौन कौन इनके बारे में बात नहीं करते, हमारे सुब्रत रॉय जी, सहारा परिवार, आप सब यहाँ हैं। मेरा ये पहला अवसर है आपके यहाँ आने का, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी वेरी वार्म वेलकम। अगर आप मुझे एक ग्लास पानी पिला देंगे तो मैं जिंदगी भर आपका आभार रहूंगा। एक पानी मंगा भी। जोशी, अरे वो ठीक है, थैंक यू, मैं ले लूंगा। थैंक यू। सारा श्री के सामने अगर मैं कुछ बहुत लखनऊ के बारे में बोलूं तो कपूर परिवार का और लखनऊ कानपुर का बहुत पुराना एक रिश्ता है, बहुत बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे दादा पृथ्वीराज कपूर यहाँ खेल दिखाने आते थे अपना थिएटर, मैंने उसके तस्वीरें देखी हैं, लखनऊ रेलवे स्टेशन में उतरना और उनकी बहुत बहुत सारी, शायद आप लोगों को नहीं पता बट आपके बुजुर्गों ने शायद आपको बताया होगा या शायद बताएंगे। राज कपूर साहब भी यहाँ अपनी फिल्म के प्रीमियर्स पे, फिल्म के प्रमोशन पे, उन दिन में प्रमोशन वैसा नहीं होता जैसे आजकल होता है, वो वाकई थिएटरों में जाते थे और वाकई लोगों से मिलते थे। मेरा जिंदगी में पहला तजुर्बा है लखनऊ आने का और शूटिंग आने का। मैं एक बार आया था यहाँ लैला मजनू जब पिक्चर रिलीज हुई थी आज से कुछ 40 साल पहले, और यहाँ बहुत खूब चली थी साहब, एक साल चली थी यहाँ, लेकिन यहाँ क्राउड ऐसा था कि हम उस वक्त डरते थे यहाँ आने के लिए। मेरा यकीन मारिए, मैं यहाँ कल या परसों मेरा एक महीना हो जाएगा यहाँ लखनऊ में, और एक भी अफसर नहीं है, एक भी मुझे कंप्लेन नहीं है आपकी जनता का, आपकी पब्लिक का, आपके लोगों का, कभी भी किसी ने कुछ भी हमें तंग नहीं किया। यूपी गवर्नमेंट, लखनऊ, आप साहब का मैं आभार हूं, या तमाम पिक्चरें आने लगी हैं शूटिंग के लिए, और मैं ये खुले दिल से कहता हूं कि थैंक यू वेरी मच द पब्लिक ऑफ लखनऊ। आप लोग आपने हमारे साथ बहुत हेल्प किया है, कोऑपरेट किया है, हमने फिल्म बड़ी शान से बनाई है, इतनी कोऑपरेशन की है मैंने मुंबई में नहीं देखी इतनी कोऑपरेशन, मान लीजिए इस बात की।
और अब उम्मीद करता हूं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि रणबीर भी यहां आएगा और आपके साथ में आपके आप शूटिंग करेगा। ये मेरे काम ने बोलते एक गाना हो जाए तो मैंने पानी किसके लिए बुलाया था। मैं देखिए इनके दो सपुत्र ने जैसे आप लोगों से कहा इन द स्पिरिट ऑफ द इवेंट जो आज आपके सम्मेलन है मैं गायक नहीं हूं मैं एक्टर आदमी हूं मैं आप लोगों का बेवकूफ बनाता हूं स्क्रीन पे होंठ हिलाता हुआ। गाते तो ये लोग हैं मैं सिर्फ होंठ हिलाता हूं आपका बेवकूफ बनाता हूं लेकिन इस स्पिरिट में और इनके लिए शुभद्रा जी के लिए मैं अगर आपके सामने गाना पेश करूं तो छोटा बड़ा समझ के जरा माफ कर देना बिकॉज मैं कलाकार एक्टर हूं मैं सिंगर नहीं हूं। ये गाना आपको जो सुना रहा हूं ये मेरी फिल्म पहली फिल्म का गाना है फिल्म का नाम था बॉबी। छोटे सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं इस गाने से पहले मैं गाना जब शूटिंग शुरू कर रहा था तो मैंने राज कपूर साहब से पूछा कि हाँ जी मैं आ गया अब मैं क्या करूं तो उन्होंने कहा कि क्या करूं मतलब शुरू हो जाओ ऐसे कोई डांस मास्टर नहीं कोई वो मुझे दुखाएगा करने को तो मुझे डांट दिया उन्होंने कि डांस मास्टर की काय की जरूरत है तुम एक्टर हो तुम खुद करो। तो मैंने कहा मैंने जिंदगी में गाना नहीं गाया ये मेरा पहला गाना है ये मैं कैसे ऐसे गा लूं इसे जब तक तुमको मैं डीप एंड में नहीं फेंकूं पानी के बिल्कुल गहरे में नहीं फेंकूं हाथ पैर तुम नहीं मारोगे तो तुम कभी नहीं सीखोगे बिकॉज अगर मैं कोई डांस मास्टर ले आता तो वो तुमसे वही कराता है जो अमिताभ बच्चन से कराता है धर्मेंद्र से कराता है शशि कपूर से कराता है सुनील दत्त से कराता है सबसे कराता है और अगर तुमसे कराता वो तो ऑडियंस आके बोलती अरे यार ये तो आदमी तो उसकी सब नकल कर रहा है। तो राज कपूर साहब ने कहा कि तुम खुद गाओ और खुद परफॉर्म करो ये गाना तो एक मुझे सबक वो मिली थी उस वक्त। अब मान लीजिए छोटा बड़ा जो भी इनके लिए मैं ये गाना करना चाह रहा हूं। मैं शायर तो नहीं मैं शायर तो नहीं मगर हसीन जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हसीन जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं ठीक चल रहा है लखनऊ में दम नहीं है क्या ठीक चल रहा है कि नहीं। थैंक यू। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह दोस्तों मेरा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं मगर हसी जब से देखा
मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं, मुझे बोल याद हो रहे, ये बहुत बड़ी याद है। मैंने गाना गाया पता नहीं कितने साल हो गए। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ए हसीन जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हसीन जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। शायर तो नहीं। थैंक यू। आप लोग ऋषि कपूर जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं, इनको कहीं दुनिया पहचानती है। मैंने अभी सुबह जब बातचीत आप लोग से कर रहा था, मैंने दो व्यक्तित्व की बात कहा था, एक बाहरी व्यक्तित्व, एक आंतरिक व्यक्तित्व। इनके बारे में एक चीज कोई नहीं जानता, आप लोग नहीं जानते हो, बहुत लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हो। ये बाहर से जितना बेहतरीन कलाकार हैं, गाना भी बेहतरीन गाए हैं, बहुत बड़े स्टार रहे हैं, बहुत बड़े एक्टर बने हैं, मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, उसके बाद ताली बजाना। इन सब गुणों से सबसे बड़ा गुण जानते हैं क्या है? एक बहुत बेहतरीन इंसान है ये, बहुत बेहतरीन इंसान। और मैं आप सबकी तरफ से ऋषि भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बेहतरीन गाना आपने गाया है। थैंक यू, थैंक यू। एक बार और तालियों से इनके गाने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सारा परिवार। मैं एक्चुअली यहाँ आने वाला था भोजन के लिए, कुछ टाइमिंग समय क्या, मैं मलियाबाद में शूटिंग कर रहा था और मेरा एक बहुत डिफ़िकल्ट गेटअप है, तो दो घंटे लगते हैं लगाने में और आधा घंटा लगता है निकालने में, और मलियाबाद से यहाँ आने में मुझे घंटा भर लगता है, तो काफ़ी वक्त उसमें जा रहा था। आज जैसे मैंने कहा कि हमारा लास्ट डे, हम सब कल जा रहे हैं, तो मुझे मेरे यूनिट के साथ भी कुछ वक्त बिताना है। मैंने कहा ज़रूर, हाँ सपना आपसे कहा था मैंने, मैं आऊँगा। मैं साथ के लिए भी ट्राई कर रहा था, आर्ट के लिए भी, बट मैं आज की तारीख तो मैंने बना आना ही था ज़रूर। सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों से मैं आज्ञा लूँगा, ये नहीं सोचते हुए कि मैं वॉकआउट कर रहा हूँ या कोई बदतमीज़ी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मुझे प्लीज़ आज्ञा दीजिए। मैं फिर कभी जब भी होगा ये जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे। बिना खाना खाए नहीं जा सकते, बिना खाना खाए तो नहीं जा सकते। वो अभी आइंदा भी तो हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए, फिर वक्त में दूसरी बार आइंदा भी होगा, इस बार भी होगा। थैंक यू अमित, थैंक यू, थैंक यू सपना, अरे चलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।